किसान समाज भारतीय जनता पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उन्हें मशहूर से माना हॉलीवुड करदार टेरमेंटर करार दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जेपी की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर जारी किए गए इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी को आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह टर्मिनेटर का लिबास पहने दिखाया गया है, जबकि अकब में फिल्म का तबाही वाला सीन है और इस पर लिखा है 2024 में वापस आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान नैब ने तरामीम से फायदा उठाने वाले मुलजमान की तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल तीन रुकनी खसूसी बेंच नैब तरामीम केस की समाअत कर रहा है। आज समाअत के दौरान नैब ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से फायदा उठाने वाले मुलजमान की तफसीलात और रवान साल इन तरामीम से फायदा उठाने वालों की तफसीलात जमा करा दी हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14.91 रुपए का इजाफा किया है। निगरान हुकूमत में महंगाई के चक्की में पिसे हुए आवाम पर किसी तरह रहम करने को तैयार नजर नहीं आती। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 305.36 रुपए हो गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 18.44 रुपए का इजाफा हुआ है। बनों के इलाके जानी खेल में पाक फौज के काफिले पर खुदकश हमले में 9 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे तालुकात आमा ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकश बमबार ने फौजी काफिले से खुद को टकरा दिया, जिसके नतीजे में 9 जवान शहीद और 5 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुए। वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों की तलाश शुरू के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा है कि माशी मसाइल के हल के लिए कोशिशें हैं। तफसीलात के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान काबीना में बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया गया। सरमायाकारी के लिए अहम तरजीह शोबों की निशानदेही की गई है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि IT ज़राअत कानपुनी के शोबों को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया ने मादनी ज़राए से अपनी मईशतों को मजबूत किया है। मादनी शोबे में 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की सलाहियत है। रेफिडिक 700 मिलियन डॉलर से ज़ायद का मंसूबा है।